आज की इस लेक्चर में में हम हम देखेंगे क्या है। पर प्रोनाउंस को देखने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं, जिससे के आपको प्रोनाउंस के बारे में more clarification हासिल हो जाएगी। एलन, जो कि हमारे पास एक नाउन है आज हम एलन की एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे एलन वेंट टू शॉपिंग मॉल एलन शॉपिंग मॉल में गया एलन हेर्ड ऑफ अमेजिंग डील्स डिस्काउंट्स एसेट्रा एलन ने बहुत से डिस्काउंट्स के बारे में सुना था जो कि शॉपिंग मॉल्स में लगे हुए थे एलन रीच टू द मॉल एलन मॉल में पहुंचा एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द शॉप्स। शॉप से शॉप में गया एलन क्योंकि उस दिन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एलन को उस दिन एलन की फर्स्ट सैलरी मिली थी और उसने सोचा था कि वो उससे शॉपिंग करेगा और इसीलिए एलन जो है शॉपिंग पर गया बट एलन बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसको उस दिन एलन को एलन के टेस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं मिली तो इसलिए उस दिन एलन ने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद सैलरी का वेट नहीं करूंगा शॉपिंग के लिए उसे जब जो चीज़ अच्छी लगेगी वो तब ले लेगा सो so, ये थी एक छोटी सी स्टोरी होप्स हो गया आपको अच्छी तो लगी होगी बट सुनने में मज़ा नहीं आया होगा मजा क्यों नहीं आया वो हम देखते हैं

ठीक है जैसा कि नहीं होना चाहिए था तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं अब हम देख लेते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं सबसे पहले प्रोनाउन हमारे पास जब हम यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं इसलिए कि हम नाउन की रिपीटिशन को कम कर सके इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और एग्जाम्पल्स में आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोनाउन की मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं जिसमें कि आई का मतलब मैं मी का मतलब भी मैं माइन का मतलब मेरा ठीक है इसी तरह शी शी का मतलब वो ही का मतलब भी वो बट शी यूज होता है लड़की को रेफर करने के लिए और ही यूज होता है लड़के के लिए इसी तरह इट वी हम अस अस का मतलब भी हम और इसी तरह दे हिम दे दैट समवन समवन कोई भी हो सकता है देम 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 अब किसकी बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं और हमारे ठीक है इसी तरह योर्स ये सब चीजें जो कि स्पेसिफिकली नहीं बता रही कि मैं किसकी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको इंस्टेड ऑफ नाउन यूज कर रही हूँ सम वन जैसे कि अब सम वन कोई भी हो सकता है आपको नहीं पता मैं किस एक के बारे में बात कर रही हूँ ना तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं जो हमारी बात भी कन्वे कर देते हैं और एग्जैक्ट मीनिंग में कन्वे नहीं करते उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस, जिनको हम नाउन की जगह यूज कर रहे होते हैं अब हम इसकी कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं सबसे पहले आफ्टर दी एवरीबॉडी मेट अप इन टाउन स्केयर यहाँ पे है कि जब प्रेड खत्म हो जाएगी सब लोग टाउन स्केयर में मिलेंगे अब एवरीबॉडी यहाँ पे अगर नेम्स मेंशन हो जाते हैं तो वो चीज नाउन बन जाती है ना बट यहाँ पे एवरीबॉडी यूज हुआ है जो कि प्रोनाउन है इसी तरह हमारे पास प्लीज हैंड मी बॉक्स अब मैं यहाँ पे अगर एग्जैक्ट उसको मॉडिफाई कर देती कि बॉक्स कैसा है फर्स्ट पे पड़ा है सेकेंड पे पड़ा है वट एवर ठीक है इस तरह जब मैं कहूंगी तो वो एक नाउन बन जाएगा बट मैं यहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करी जो कि है दैट इसी तरह आई लॉस्ट माई फोन लास्ट नाइट लास्ट नाइट मैंने अपना फोन खो दिया चीज़ तो है कि पे पे अब मैं यहां पे अगर मैं अगर अपना नेम मैं यहाँ पे अगर मैंशन कर दू तो वो चीज क्या बन जाएगी एग्जैक्ट मुझे बता मेरा मेरे बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगी आपको कि लास्ट नाइट जो भी मेरा नाम है तो मैं अगर वो मेंशन कर दूं तो यहाँ पे वो चीज मेरे बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन आपको दे देगी बट अगर मैं यहाँ पे माई यूज कर लू तो ये एक प्रोनाउन है और ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा इसी तरह शी बॉट सेल्फ खुद एक जो है प्रोनाउन है शी ही ये सब एक प्रोनाउन है बट यहाँ पे हर सेल्फ हर सेल्फ भी एक प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है और इसी तरह अब हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो आई एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश अब आई जो है आई की जगह मैं अपना नेम भी लिख सकती थी ना बट मैंने नहीं लिखा क्यूं? क्यों क्योंकि अगर मैं नेम लिखती तो नाउन बन जाता और मैं यहाँ पे नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए नाउन की जगह जो है मैं प्रोनाउन यूज करी सो होप सो कि आपको प्रोनाउन की समझ आ गई होगी थैंक यू फॉर टू डेज